हेलो व्यूअर्स, हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए शनि शिगनापुर से देवगढ़ दत्त मंदिर के पास पहुंच रहे हैं, जो लगभग 30 किलोमीटर है। और यह मंदिर बसा है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले का नवासा गांव के नज़दीक देवगढ़ में। इस प्रवेश द्वार से मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गांव में स्थित है, और वहां से मंदिर का क्षेत्र शुरू होता है। यह मंदिर शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाजी नगर, जो कि औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा पिछला ब्लॉग रांजनगांव महागणपति और शनि शिगनापुर पे बनाया था, जो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। मंदिर का यह परिसर प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में यात्रियों के रहने की भी उत्तम व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया है। यह मंदिर परिसर का फ्रंट भाग है, जहां से हम चलना शुरू करेंगे नदी तक। यह मंदिर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और अत्यंत ही सुंदर है। भगवान श्री दत्त गुरु का यह फोटो मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। और अब जा रहे हैं हम लोग बोटिंग के लिए, चलो चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वाकई में लग रहा है यह वीडियो वर्थ है और आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। यह मंदिर का बैक वाटर एरिया है, जो लेक को कनेक्टेड है, और हम लोग अभी बोटिंग का आनंद लेंगे। अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और हम लोग अभी घूमेंगे पूरा। सनसेट अभी जस्ट हुआ है। मंदिर का यह परिसर पवित्र नदी प्रवरा के किनारे बसा हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम गोदावरी नदी से हुआ है। यह लगभग 200 किलोमीटर लंबी नदी है।
इस मंदिर का निर्माण संत श्री किशनगिरी महाराज ने 1957 में करवाया था, जिनको दत्त भगवान का साक्षात्कार हुआ था और उनकी समाधि भी इसी मंदिर में है। मंदिर प्रांगण में शनिदेव, मच्छिंद्रनाथ, नारद मुनि, मार्कंड मुनि, सिद्धेश्वर, पार्वती, गणेश और कार्तिक स्वामी की दिव्य प्रतिमाएं हैं। मंदिर का निर्माण नक्काशीदार पत्थरों से किया गया है, जो कि अत्यंत सुंदर है और संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग बहुत ही कलात्मक ढंग से किया गया है। इस मंदिर में हर गुरुवार को हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पे पार्किंग और रहने की व्यवस्था है। हेरिटेज इन होटल में इस नाइट रुके हैं, फिर हम लोग कल अपने दूसरे डेस्टिनेशन में जाएंगे। तो फ्रेंड, गुड नाइट। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम यात्री निवास में रुकें एक रात के लिए, लेकिन वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि 2 दिन के बाद दत्त जयंती थी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस ब्लॉग टू एवरीवन। And keep watching our YouTube channel for next vlog on Aurangabad. आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।